राज और प्रिया में बहस चालू थी। राज यकीन दिलाने में लगा था कि उसने प्रिया जैसी दिखने वाली लड़की को कबूतर खाते हुए देखा, लेकिन प्रिया ये बात मानने को तैयार नहीं थी। रोज किसी न किसी घटना से परेशान होकर राज ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने प्रिया से कहा कि वो दोनों इस घर में सुरक्षित नहीं हैं, उनको किसी और जगह सेटल होना पड़ेगा। और एक दिन अचानक ही वो दोनों घर छोड़कर निकल पड़े। घर में ताला लगाया और मेन गेट के पास आकर दोनों ने उस घर को अलविदा किया। लेकिन उस घर में रह रहे साये को हमेशा से उनका इंतजार था। उनके जाने के बाद घर के अंदर एक आवाज गूंजी, कभी ना कभी तो तुम्हें लौट कर आना ही पड़ेगा। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। प्रिया मेरी दुश्मन है और हमेशा रहेगी, केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले हर जन्म में। इसी गूंज के साथ घर में सन्नाटा छा गया। बरसों तक यहां सन्नाटा रहा। बहुत साल तक तो घर राज के नाम पर रहा, लेकिन उसके बाद एक दिन राज ने मकान को बेच दिया। लेकिन जो इस शानदार घर को शान से खरीदता था, वो महीने के अंदर ही परेशान होकर बेच देता था। ये चक्र लगातार चलता रहा और अब 60 साल बाद दोबारा खरीदा गया दीपक और अंकिता द्वारा ये घर। पुराने ख्यालों से बाहर आते आते दीपक ने सारी कहानी को समझ लिया था। अभी वर्तमान में उस घर में दीपक था और एक बुढ़िया थी जो जादूगरनी थी, जिसने एक ताबीज के जरिए पूरा इतिहास दीपक के सामने रख दिया था। दीपक उठकर बैठा, उसका सर दर्द कर रहा था, थोड़ा भारीपन सा लगा। वो उठकर अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने सोचा कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लेना चाहिए, सुबह उठकर आगे क्या करना है इस बुढ़िया से पूछूंगा, यही इसका कोई समाधान बताएगी। बेडरूम में आते ही दीपक को आईना नजर आया। ये वही आईना था जो परसों पहले टूटा हुआ दिखा, लेकिन फिर देखा तो टूटा ही नहीं था। इसी आईने के सामने बैठकर प्रिया ने गाना गाया था। इतना याद ही आया था कि दीपक को अचानक ही शीशा टूटते हुए दिखने वाला सीन भी याद आया। शीशा उस मधुर आवाज को सुनकर टूटा था जो गार्डन में शालिनी गा रही थी, लेकिन शीशे के हर टुकड़े में प्रिया नजर आ रही थी। पिछले जन्म में गाना प्रिया गुनगुनाती थी, सेम वही गाना शालिनी ने क्यों गाया? प्रिया और शालिनी के बीच क्या संबंध है? पहले ही बहुत सवालों में उलझा था राज, लेकिन एक सवाल और उसके माथे घूमने लगा। अब तो उसे बेसब्री से सुबह होने का इंतजार था और बुढ़िया के जागने का इंतजार। सुबह हुई, दीपक जल्दी उठ गया था। उठकर उसने बाहर देखा तो बुढ़िया नजर नहीं आई। दीपक फिर परेशान सा हो गया। बालकनी से झांका तो बुढ़िया झूले में बैठी थी और झूला धीरे धीरे हिल रहा था। दीपक झूले के पास जाने से पहले किचन में गया और दो कप चाय बनाई और चाय लेकर बुढ़िया के पास गार्डन में पहुंचा। चाय, दीपक ने एक कप बुढ़िया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बुढ़िया ने दीपक की तरफ देखा और चाय पकड़ ली। सारे सवालों के जवाब तो मिल गए ना? बुढ़िया ने सवाल किया। नहीं, सवालों की गिनती में इजाफा हो गया। ये तो समझ में आ गया कि पिछले जन्म में दिव्या की आत्मा हमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके बदला लेने से पहले हम वहां से भाग गए और वो आत्मा सिर्फ इस घर की चार दीवारी तक हमारा नुकसान कर सकती थी। वो इस घर में बसती थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी अंकिता से क्या दुश्मनी थी। उसकी दुश्मनी तुम्हारी हर पत्नी के साथ होगी। उस समय प्रिया तुम्हारी पत्नी थी, तो इस जन्म में अंकिता। लेकिन आप कौन हैं जो सब जानते हो, मुझे, मेरे अतीत को? क्या
मैं आपको जानता हूँ। बहुत गर्म चाय को पानी की तरह गटकने के बाद बुढ़िया ने कहा, तुम मुझे जान जाओगे, लेकिन मैं चाहती हूँ तुमसे पहले तुम्हारे मन के सारे सवाल खत्म कर दूँ। राज अभी चाय की दूसरी चुस्की भी नहीं ले पाया था और इतनी गर्म चाय बुढ़िया एक सांस में गटक गई। दीपक को मामला गड़बड़ लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अगला सवाल पूछा, क्या प्रिया और दिव्या में से किसी का पुनर्जन्म नहीं हुआ? क्या सिर्फ मुझे ही यह जन्म मिला है? हाँ, सिर्फ तुम वापस आए हो अपनी गलती की सजा भुगतने। बुढ़िया अजीब तरह से दीपक को घूर रही थी। दीपक ने अगला सवाल किया, जब आत्मा दिव्या की भटकनी थी तो कबूतर का खून पीते हुए प्रिया क्यों नजर आती थी? क्योंकि दिव्या की आत्मा हर उस स्त्री में विराजमान हो जाती है जो तुम्हारे साथ इस घर में पत्नी बनकर आती है। दिव्या ज्यादा नुकसान नहीं चाहती तुम्हारा, वो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पहले प्रिया बनकर रहना चाहती थी और इस बार अंकिता बनकर। अगर वो नुकसान नहीं करना चाहती थी तो अंकिता को मारा क्यों? अंकिता को मारा नहीं, अपने रास्ते से हटाया है, क्योंकि प्रिया उस समय दिव्या को महसूस नहीं कर पा रही थी। वो उसकी छोटी छोटी हरकतों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अंकिता उसकी हर बात नोट कर रही थी, हर हरकत से ऐतराज करने लगी थी और दिव्या को ये सब पसंद नहीं था। लेकिन तुम हो कौन? दीपक ने एक बार फिर अपना वही सवाल दोहराया। कहीं ना कहीं बुढ़िया पर दीपक को शक होने लगा था। दूसरी तरफ घर बैठा मयंक बार बार दीपक को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीपक फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि दीपक बुढ़िया के साथ गार्डन में था जबकि मोबाइल अंदर बेडरूम में। फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्यों, लगता है मुझे थाना जाना ही पड़ेगा। अगर ये बात सच है तो वो कौन थी, इंस्पेक्टर मयंक ने खुद से कहा और थाने की तरफ चल पड़ा। उधर दीपक बुढ़िया से बात कर रहा था, शायद आज सारे रहस्यों से पर्दा उठा कर ही मानेगा। बुढ़िया सारे रहस्यों से पर्दा उठा रही थी, लेकिन खुद बहुत बड़ा रहस्य बनती जा रही थी। उस दिन दीपक को पहली बार देखकर राज कहकर पुकारना, दीपक के घर के ताले को राज का स्टाइल बताकर जोर से बोलकर ही तोड़ देना, एक तावीज की सहायता से पिछला जन्म याद दिला देना और गर्म चाय को पानी की तरह एक सांस में पी जाना, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के लक्षण नहीं थे। दीपक इतना तो समझ रहा था कि बुढ़िया कोई जादुई पुड़िया है, और साथ ही दीपक ये भी समझ चुका था कि सिर्फ इस घर में उसे खतरा है, चार दीवारी के बाहर वो सुरक्षित है। और ये बात भी उसे समझ आ गई थी कि इस बुढ़िया से ही उसे खतरा है। दीपक चाहता तो भागकर अपनी जान उस जादू की पुड़िया से बचा सकता था, लेकिन अगर वो भाग गया तो शायद ये राज का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य रह जाएगा। दीपक के मन में एक और सवाल उमड़ा जो उसने उस बुढ़िया से पूछा, राज और प्रिया की मौत कैसे हुई थी? मैं सिर्फ इस घर की कहानी जानती हूँ, मौत तो सबकी होनी तय है, आज हो या कल। शायद बुढ़िया इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ छुपा रही थी, और उसका दीपक को बात बात में घूर कर देखना भी अपने आप में एक टेंशन था, एक डर दीपक के अंदर छिपा हुआ था। लेकिन आत्मा मर्डर करती है, उसे दफना भी देती है, ये बात दीपक को हजम नहीं हो रही थी। दीपक उसकी तलाश में था जिसको जरिया बनाकर अंकिता को मारा गया था। जिस तरह दिव्या
इस बुढ़िया को जरिया बना रही है मुझ तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उसी तरह शायद कोई है जिसकी वजह से। दीपक सोच ही रहा था कि बुढ़िया बीच में बोली, क्या सोचने लगे अब? दिव्या चाहती क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे उससे, कब तक वो मुझे सताएगी। बुढ़िया ने दीपक की तरफ देखा और कहा, अभी सताया कहाँ है तुम्हें, वो तो प्यार से अपने होने का एहसास दिला रही है। अगर सताने पे आ जाए तो भगवान से दुआ में मौत मांगोगे तुम। बुढ़िया की आवाज में फर्क आना शुरू हो गया था। मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे छिपकर परेशान कर रही है, हिम्मत है तो सामने आए। अगर सामने आएगी तो क्या करोगे? मैं पूछूंगा उससे। जीते जी भी नहीं जीने दिया उसने मुझे, मरने के बाद भी नहीं जीने देगी क्या? और वैसे भी हमने नहीं मारा था उसे, उसने सुसाइड किया था। उसकी मौत की वजह तुम हो राज, और तुम्हें मार कर ही उसे शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं राज नहीं, दीपक हूँ। मेरे लिए तुम राज थे, हो और रहोगे। तुम सिर्फ मेरे राज हो, और मैं तुम्हें अपना बना कर छोड़ूंगी। ये बात सुनते ही दीपक की हैरानी की कोई सीमा ना रही। दीपक ने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसको सफेद बाल अचानक ही काले नजर आने लगे थे, और चेहरे की झुर्रियां भी गायब होने लगी। दीपक बस उस बुढ़िया के बदलते रूप को देखकर दंग रह गया। दूसरी तरफ मयंक थाने पहुंचा। सुबह के 7:30 बजे थे। इमरजेंसी तौर पर थाने पर पहुंचे थाना प्रभारी, दो कांस्टेबल और इंस्पेक्टर मयंक ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। क्या बात हो गई सर? अचानक मयंक ने एसपी साहिल से कहा। कल शाम में एक और लड़की के गुमशुदा होने की शिकायत थाने में आई है। पहली लड़की जिसकी लाश उसी के घर के गार्डन से मिली है, अभी तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया। यहाँ दूसरी लड़की गायब हो गई, और दोनों एक ही दिन हुए हैं, एक सोमवार को सुबह और एक उसी दिन शाम। आखिर चल क्या रहा है? सर छानबीन जारी है, लेकिन ये दूसरी लड़की कौन है और रिपोर्ट इतने दिनों बाद क्यों लिखवाई गई वो हम नहीं जानते। हमें बस अंकिता के मर्डर केस की फाइल रेडी करके दो। वो दूसरी गुमशुदा वाली केस मैं करण को सौंप रहा हूं। इतनी सुबह इमरजेंसी में क्या बस यही बताने के लिए बुलाया था आपने? मुझे कहीं ना कहीं ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े लग रहे हैं। मुझे एक बार इसकी डिटेल दीजिएगा सर प्लीज। डिटेल मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक खास काम जो तुम्हें सौंपा था उसका क्या हुआ? साहिल ने मयंक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दोनों एक साथ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए बात करने लगे। मैंने किया था फोन दीपक को, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। तुम्हें क्या लगता है, दीपक ने अपनी बीवी का कत्ल तो नहीं किया ना? मेरे ख्याल से तो नहीं। दीपक कोई ऐसा राज जानता था जो कोई नहीं जानता? शायद उसने दीपक को शक के आधार पर अरेस्ट नहीं किया, उसका कारण कुछ और था। साहिल और मयंक दोनों कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़े। ये तुमने ठीक नहीं किया, पहले उसके घर में बिना उसकी मौजूदगी के तलाशी ली, ऊपर से बिना परमिशन के गुप्त कैमरे लगा दिए। अब जब तक उसका पता नहीं है तब तक की बात अलग है, अगर पता लग गया तो तुम्हारी बैंड बजेगी, ऊपर से मेरी भी बैंड बजेगी। अब बिना परमिशन के लगाया भी है तो क्या हुआ? हॉल और बालकनी में लगवाए हैं और मेन गेट पर लगवाया है, कौन सा बेडरूम और बाथरूम में लगवाए हैं जो कोई ऐतराज करेगा? मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले
मुझसे तो कम से कम परमिशन मांग लिया करो। आप डरते हैं सर, आप नहीं दोगे परमिशन, इसलिए अपने रिस्क पर मैं सारे काम हैंडल करता हूं। वो ठीक भी है, मुजरिम पकड़े गए तो क्रेडिट हमारी टीम को जाएगी और हम पकड़े गए तो सिर्फ तुम्हारी वर्दी जाएगी, क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं इस बारे में। वो सब छोड़िए सर, एक नजर उसकी रात वाली क्रिएटिविटी में डालते हैं। दोनों ने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया और कैमरा यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया। उसके हॉल का नजारा नजर आया, अभी हॉल में कोई नहीं था। वो हॉल में नहीं है तो कहां हो सकते हैं? सर थोड़ा तो कॉमन सेंस का यूज कीजिए, सुबह के 8 भी नहीं बजे। पुलिस की ड्यूटी ही ऐसी है कि कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। लेकिन दीपक तो अपने कमरे में सोया होगा ना? अरे हाँ, चलो एक काम करो, कल शाम के हॉल के सीन दिखाओ, उस वक्त जब वो आ गया होगा। मयंक ने रात करीब 6 बजे के वीडियो रिपीट करना शुरू किया। लगभग अंधेरा सा हो चुका था, जिस कारण बाहर मेन गेट वाले कैमरा में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। हॉल में भी अभी अंधेरा था। थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाया तो दीपक सोफे में सोया नजर आया। अब वापस थोड़ा पीछे किया वीडियो, कैमरे में अंधेरा और धुंधला ही दिख रहा था सब। दरवाजा खुला तो दीपक ने लाइट जलाई और सोफे की तरफ आया। दीपक अकेले ही आया था और सोफे के पास बैठकर अजीब अजीब हरकत करने लगा, जैसे कोई उसके पास बैठा हुआ हो और वो उससे बात कर रहा हो। साहिल और मयंक दोनों मिलकर दीपक की रात वाली वीडियो देख रहे थे। दीपक थोड़ी देर बाद बात करके अपने सामने दीवार को घूरने लगा। बहुत देर घूरने के बाद उसे नींद आने लगी और वो सोफे में ही सो गया। साहिल ने हंसते हुए कहा, तुमने बताया नहीं कि इसका दिमागी संतुलन खराब है? मयंक ने साहिल की बात नहीं सुनी, क्योंकि उसने सुना था कि उस घर में कोई अदृश्य शक्ति भी है, लेकिन कानूनी रूप से मयंक ने उस पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन दीपक की हरकतें देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीपक कुछ ऐसा देख या सुन पा रहा था जो कि कैमरे की नजर में नहीं है। गलती कर दी हमने यार, काश कि कैमरे के साथ माइक भी लगा लेते, कम से कम आवाज तो सुन ही पाते। कोई शूटिंग चल रही थी क्या? उसके खर्राटे ही सुनते माइक से? कौन सा वो नींद में बड़बड़ाते हुए सारे जुल्म कबूल कर लेगा? वीडियो को बहुत स्पीड में भगाते हुए वीडियो को रियल मोशन में तब डाल दिया गया जब राज उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उस जगह से स्टार्ट किया जब दीपक बेडरूम से बाहर निकला। दीपक बेडरूम से बालकनी की तरफ गया और गार्डन की तरफ देखकर किचन की तरफ गया। थोड़ी देर में किचन से बाहर निकला तो 2 कप चाय के साथ। अब साहिल और मयंक की नजर और हैरान थी। 2 कप? इसका मतलब कोई और भी है जो दीपक के साथ है, पीछा करो इसका। कोई तो है सर, लेकिन चाय पीने तो हॉल में ही आना चाहिए। अब ये पता नहीं चाय लेकर कहां जाएगा। अरे ये चाय लेकर बाहर जा रहा है, बाहर वाला कैमरा भी साइड में लो, मेन गेट वाला। सर मेन गेट वाला कैमरा बाहर की तरफ को है, ना कि अंदर को, उसमें कुछ नहीं आएगा। ये चाय वाला सीन आधे घंटे पहले का है। एक काम करो, प्रेजेंट में देखो वो इस वक्त कहां है। प्रेजेंट किसी भी कैमरे में दीपक नजर नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही, आगे के भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।